झारखंड के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सौरव तिवारी ने आज क्रिकेट से अचानक संन्यास ले लिया। ये वो खिलाड़ी है जिसे लोग MS धोनी से कंपेयर करने लगे थे, क्योंकि सौरव तिवारी जब शुरुआत में क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने धोनी जैसे लंबे बाल रखे थे, लेकिन इस खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर सिर्फ 3 वनडे मैच खेलकर ही खत्म हो गया। जब 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलते हुए टीम इंडिया चैंपियन बनी थी, तब भी सौरव तिवारी उस टीम का हिस्सा थे। बाद में 2010 में IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से भी सौरव तिवारी खेले और उन्होंने उस साल 419 रन भी बनाए और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तभी से ऐसा माना जा रहा था कि सौरव तिवारी टीम इंडिया के लिए एक बड़े सितारे बनकर सामने आएंगे और उन्हें उसी साल ही टीम इंडिया में चुन भी लिया गया, लेकिन फिर सिर्फ 3 वनडे मैचों में मौका देकर तिवारी को ड्रॉप कर दिया गया और सौरव तिवारी का क्रिकेट करियर वहीं पर खत्म हो गया। हालांकि सौरव तिवारी ने तीनों मैचों में कुछ भी गलत नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में वह 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे और सुरेश रैना के साथ इंडिया को जीत दिलाकर बाहर आए, तो वहीं दूसरे मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 37 रन बनाए और यूसुफ पठान के साथ मैच विनिंग पार्टनरशिप करके बाहर आए और तीसरे मैच में उनकी बैटिंग ही नहीं आई, फिर कैसे उन्हें ड्रॉप कर दिया गया यह आज तक किसी को समझ नहीं आया। और आज इस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है।